हाँ तो भाई, शाहिद कपूर की मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जी है रिलीज हो चुकी है। तो आइए करते हैं इसका रिव्यू और देखते हैं कैसी है मूवी। वैसे इस मूवी का नाम कितना बड़ा और कितना अजीब है ना, एक मूवी के नाम पर सूट नहीं करता। एनीवेज, तो पहले इसकी स्टोरी पे बात कर लेते हैं। तो मूवी की स्टोरी में शाहिद कपूर के कैरेक्टर का नाम है आर्यन अग्निहोत्री, जो कि एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में काम करता है। और उसकी फैमिली वाले चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए, बट वो शादी करना नहीं चाहता क्योंकि उसके सपनों की रानी नहीं मिल रही। लेकिन एक दिन उसे उसके काम की वजह से अमेरिका जाना पड़ता है और वहाँ पर उसे मिलती है उसकी सपनों की रानी यानी कीर्ति सनन, जिससे उसे अट्रैक्शन हो जाता है एंड उसे वो अब अपना सब कुछ मानने लगता है और उससे ही शादी करना चाहता है। बट वो एक रोबोट है, बट तब भी वो उससे शादी करना चाहता है एंड ये बात वो अपने घर वालों को बताता तो है बट आधी अधूरी। तो यही दिखाती है मूवी की स्टोरी फुल कॉमेडी एंड रोम कॉम तरीके से, जिसे देखकर मुझे बहुत मजा आया एंड आई एम श्योर आपको भी आएगा ही। तो क्या एंड में इनकी शादी हो पाती है या नहीं, या इनके घर वालों के सामने इनका भांडा फूट जाता है, ये आपको पता चलेगा जब आप मूवी देखोगे। डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट की बात करें तो इसका टॉपिक तो यूनिक है एंड इसे प्रेजेंट भी ठीक ठाक किया है। मतलब कहीं कहीं कॉमेडी सीन्स में खूब हंसी आती है, लेकिन कहीं कहीं वो बिल्कुल ही काम नहीं करते एंड आपको लगेगा कि ये क्या था एंड सोचोगे मूवी 10-15 मिनट कम की जा सकती थी। बाकी एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अच्छी एक्टिंग की है, क्योंकि इसमें एक्टर्स ही हैं, आप समझे ना। हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जैसे शाहिद कपूर, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है, बट पर्सनली मुझे उनके एक्सप्रेशंस उनकी रिसेंट मूवीज में लगभग सेम लगने लगे हैं, जैसे जर्सी में एंड इसमें भी। बट सबसे मस्त एक्टिंग लगी कीर्ति सनन की, जिन्होंने एक रोबोट का रोल किया है एंड रोल को एकदम रियल बना दिया, मतलब एकदम मस्त रोबोट लग रही थी। एंड नो डाउट एक एक्टर तो वो अच्छी है ही, जिसके लिए उन्हें पिछले साल नेशनल अवार्ड भी मिल गया। बाकी मूवी में धर्मपाजी भी हैं, जो कि एक कॉमेडियन का काम कर रहे हैं एंड बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, जबकि वो अब 88 के हो चुके हैं, बट काम वो आज भी बखूबी ही करते हैं और जब जब स्क्रीन पर आएंगे तब तब आपको हंसी आ ही जाएगी। बाकी डिम्पल कबाड़िया का भी एक रोल है एंड उन्होंने भी वो अच्छा किया है। म्यूजिक की बात करें तो मूवी का म्यूजिक भी अच्छा ही है एंड आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, जैसे या फिर ये वाला एंड शाहिद कपूर एंड कीर्ति सनन के डांस स्टेप भी बढ़िया हैं और इम्प्रेसिव हैं। तो फाइनल यही कहूंगा कि ऋतिक के फाइटर के बाद अब ये थोड़ी सही सी मूवी आई है एंड वीकेंड चल रहा है तो जाकर देख सकते हो। तो ठीक है, फिर मैं देता हूँ मूवी को 3 स्टार आउट ऑफ 5 एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी मूवीज के रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।